अपनी बात रखे साथी बोलो। बिल्कुल खाऊंगा। आज के पंचायत समिति में प्रधान जी और उप प्रधान जी के कार्यक्रम में अनिल जी और प्रधान पंचायत समिति बादरा, उप प्रधान साथी बलवान फगेरिया, नौर के प्रधान साथी सोन जी ढील, साथी मंगेश चौधरी, एसीएम साहब सत्यनारायण जी, साथी विनोद स्वामी, तमाम सरपंचगण, सरपंच प्रतिनिधिगण, तमाम पंचायत समिति मेंबर, तमाम पूर्व पंचायत समिति मेंबर, शहर के प्रबुद्ध नागरिक जन जो विभिन्न यूनियनों के अध्यक्षगण हैं, मंच पर बैठे सम्मानित साथियों, पंचायत समिति का चुनाव था, 10 वोट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को मिले, 10 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, 3 मेंबर कांग्रेस पार्टी के जीते, 4 साथी निर्दलीय जीते। ये गणित तो सभी जानते हैं। चुनाव से पहले मेरा कैंपेन था, मेरा प्रचार था कि मेरे राशन कार्ड से कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा, हम वंशवाद की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जब ये परिस्थिति आई, बराबर बराबर लोग जीत करके आए, पंचायत समिति का प्रधान बनाने का कार्यक्रम बना, निर्दलीय साथियों ने कहा कि बादरा में नई परंपरा जब आप ले आए तो आप हमारे किसी साथी को प्रधान बनाओ। साथियों, ये तो सब मेरी बढ़ाई यूं ही कर रहे हैं, मेरे साथी जो 10 जीत के आए और मेरी पार्टी के जो साथी हैं उनका ये त्याग था और उनका ये बलिदान था, जिसकी भाषा बलवान फगेड़िया ने शपथ कही है, सुजीत ने कही है कि जनता का काम करने के लिए हम सब बने, सेवा करने के लिए बने। इन्होंने कहा बिल्कुल उन 4 साथियों का सम्मान रखिए, वो जो तय करें उनमें से प्रधान बना रहा था। मेरे साहब आप यस कर दीजिए, हमें प्रधान बनने की कोई लालसा नहीं है, लाल झंडे का प्रधान बनना। साथियों, में आज भी मेरी उस बात पर कायम, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द ये था, 1 साल पहले मैंने कहा था मेरे राशन कार्ड से कोई नहीं बनेगा, और तहसील में मेरी बहन बैठी और मारो बताओ हमारे सामने जीत के आ गयो, और बच्चारों निर्दलिया एक राय कर ली, बोले आम एक बुढ़ारो अनिल जी बनाया है, मारे 3 चुनाव में तन मन धन अनिल जी साके रहा, साथियों नाम तय करो और साथियों तय कर दियो तो मैं 10 का 10 साथी अनिल जी के साके करा। अब जिम्मेदारी ये जो एसीएम साहब ने कहा है और जो जनता ने कहा, जिम्मेदारी अनिल जी की, बलवान जी की, 17 के 17 लोगों की है, यो जनता का काम, सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, सरकार की एक एक गांव के गरीबड़े तक पूछने वाली चीज पारदर्शिता से पहुंचाने का काम ही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं चुनाव में करोड़ों रुपए लोगों के लगते, लेकिन भादरा पंचायत समिति बनने में न कोई खरीद फरोख्त हुई और न ही करोड़ों रुपए बहाए गए, इसलिए जनता की योजना लागू करने में कहीं कोई नहीं। पंचायत समितियां बनाने के लिए अगर जिनका बहुमत नहीं आए तो पता नहीं क्या क्या करते, लेकिन एक बार बड़ा दिल करके मेरे 10 से 10 साथियों ने कहा कैसे कीजिए मेरे साहब, हमें जनता की सेवा करनी है, हम किसी भी शुल्क में यह नहीं चाहते कि जो गांव की बाहर में खड़े होकर के हम काम की हार के आए वो घाट वाला काम हम पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हमारी पंचायत समिति चुनी। एमएलए, सरपंच, पंचायत समिति का प्रधान, पंचायत समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर मिलकर के काम करेंगे। साथियों, में दावे के साथ कह सकता हूं अभी भी आज अब 3 बजे यहां से मेरा दूसरा कार्यक्रम है, करणपुरा की ग्राम सेवा सहकारी समिति में हमने 10 लाख रुपए के कृषि औजार
खरीद करके ग्राम सेवा सहकार समिति में रखे, जिन किसानों के ट्रैक्टर के औजार नहीं है वो औजार सरकार से फ्री मिलवाने का काम कर रहे हैं। ये भाजपा विधानसभा में चार ग्राम सेवा सहकारी समिति ऐसी चुनी गई जिसमें हमने कृषि औजार उपलब्ध कराए। आज तक के मेरे विधानसभा के कार्यकाल में एक पीएचसी, तीन बंद पड़े स्कूल वापिस खुलवाना और आपके चार पशु केंद्र नए खोलना और पांच नए स्कूल खोलना, आवासीय विद्यालय कस्तूरबा आवासीय विद्यालय 2,10,00,000 रुपए कर्णपुर में बढ़ने जा रहा है, आईटीआई कॉलेज आपके सिकरौली में बनने जा रहा है। 2 साल के कार्यकाल में कल सीएम साहब उद्घाटन करेंगे, वर्चुअल उद्घाटन, ऑनलाइन उद्घाटन कराना। के अंदर हमने जो सहकारी समिति के लिए गोदाम बनाया, मरखेड़ा में गोदाम बन के तैयार, खेड़ा की नींव लगा दी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो मंडियां खुली, भादरा में 7 मंडियां खुली, अगली बार जब रबी का सीजन आएगा 7 की 10 करवाऊंगा, 7 की 6 नहीं होने दूंगी, दावे के साथ कह रहा हूँ। मेरा कुछ वजन कम होगा, मेरे पंचायत समिति मेंबर, मेरे जिला परिषद मेंबर, मेरे प्रधान और उपप्रधान साथी मिलकर के मेरा काम में हाथ बटाएंगे। साथियों मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि आप प्रधानमंत्री गांव गांव में जा रहे हैं, भले बात दौरे कर रहे हैं, लेकिन मैं तो 3 दिन शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान के बीच रह के आया हूँ। मैं तो आज आपसे मुखातिब होने के लिए आया और आप सब साथियों से कहना भी चाहता हूँ, जो मेरा साथी सरपंच है, जो मेरा साथी हारावा सरपंच भी है, हारावा ब्लॉक मेंबर भी है, जीतावा ब्लॉक मेंबर भी है, जिला परिषद मेंबर है, एक बार शाहजहांपुर बॉर्डर एक रात 2 रात किसान के बीच बिता के आए और जाके कह दिया भागना चाहे शक्ति चाहे जहां से आप हमारा विधायक चुन करके राजस्थान में और देश भर में किसान की आवाज को बुलंद करता है। साथियों ये योजनाएं लागू करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पूरी टीम है और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ मेरी भादरा के तहसीलदार, एसडीएम, एसीएम साहब, वीडियो, ब्लॉक सीएम तो सारे मिलकर के ढंग से जनता की सेवा करने का काम करेंगे और कोई भी ऐसी नौबत नहीं आएगी जिसे भादरा विधायक का मान सम्मान प्रदेश में घटे, ऐसी परिस्थिति नहीं आने देंगे। मैं तमाम कर्मचारी साथियों से कहना चाहता हूँ 2 साल में एक आदमी पर्ची भी लिख करके कहीं भेज दे कि भादरा विधायक और उसके कार्यकर्ता ने किसी को परेशान किया हो, किसी की जेब पारने की हिम्मत की हो, किसी ने कोई ये नौबत ही आने दी हो। मैंने तो किसी से मक्खी नहीं बैठने दी, मैंने तो कभी किसी, इतने सरपंच है 2 MLA कोटे मार दिए, कभी किसी सरपंच को ये भी नहीं एहसास होने दिया कि MLA को पैसे दिए जो भादरा की रिवाज रही थी 5% और 10% की, उस रिवाज को तोड़ने का काम किया भाई। मुझे तो जनता ने बनाया था, आज जनता ने फिर पंचायत समिति बनाई है। मैं तो ये समझता हूँ हम तो ये कर्ज उतार दें जनता का, ये बहुत बड़ी बात है भाई। धन मानो तो ये धन है हमारे सामने, ये सारा धन ही हमारे सामने जनता का धन है। इसके अलावा दूसरे धन की भाई है तो झूठ पड़ी, अभी कोई आदमी ने कहा कि साहब ब्लॉक मेंबर की झूठ तो मुझे बता देना, मैं क्यों यार सिर्फ कमी तो पड़ी है चारा नहीं कहीं कोई पीछे धक्के टके जो दो पीछे हम ब्लॉक मेंबर को मिले हैं कि इसी व्यवस्था बना दी है पीछे हमारे ब्लॉक मेंबर को मिले मिलेंगे या बात सत्ता ही मिलेगा पीछे सत्ता क्यों बोल आप बात मान सांगी कायम रहा क्यों भाई भाई भादरा को जीकर जो मैं विधानसभा में बोलूं पहली चीज वायरल हुए अच्छी चीज वायरल हुए तो भाई कोई घटती नहीं होगी तो भाभी वायरल तेजी होगी देश भर में होगी आवाज में जानू हथियार है समझ लियो। अभी विरोधी तो बापड़ा तकिया ही पड़े हैं, मैं तो कई है काल आपका बटाउन बना लियो भैया 10 बेलियां मिल के नाम तय कर दियो और भाई कोई कहीं गांव में बहन बेटी तो बेहड़ी हुए अपने आपस में अब बटाऊ जी बन गया सारे साथियों की सहमति हूँ तो भाई सीधी सी बात आए मिलके सारा ढंग काम करागा और मुंह खोल जाते वही जठे और मुंह है तो भाई बोल मेरो खुल्लो रहे उसके प्रधान जी की इतनी लंबी पूरी कल्चर कतई बन रहेगी 24 घंटा को फोन खुल्लो रखे हुए भगवान को फोन भीजी हुए लेकिन थारे विधायक को फोन 24 घंटा खुल्लो रहे 2 साल में कोई आदमी और मुंह खोल देते विधायक जी को फोन मेरे फोन खुल हो रहे वो ऐसे मेरा साथी पंचायत समिति मेंबर प्रधान और उप प्रधान सरपंच कोई गलती करते तो आई जनता ने मैं कहना चाहूँ ये मन में बता दियो अब आप कह दियो कि विधायक जी आप कमी है भाई कोई 100% पूर्ण को नहीं हुए 100% कोई राम उतर के कोई आयो राम भी गड़बड़ करते राम भी अपना कार्य करते राम भी पालो ज्यादा कर
दे, आ कोई बात को नहीं कहूं गलती को लिए, बट मैं सुधारूंगा। नियत जनता की सेवा करने की रखेंगे, नियत लोगों की लड़े काटने की नहीं रखेंगे। नहीं तो मैं ऐसी नियत रखी मैं हम रखे। नंबर दो बात, अब आलाबाई नगर पालिका को चुनाव शहर का प्रबुद्ध नागरिक गांव आए सारा शहर में उठ बैठ हुए नगर पालिका और बनावांगा भाई। नगर पालिका और बनाऊंगा, लाल झंडे की नगर पालिका बनाएंगे और राजस्थान भर में हमारी राजनीति को मजबूत करेंगे। भाई एक बात बताऊं, चंडीगढ़ से 7 दिन पहले खबर लगी जब मैं टीकरी बॉर्डर जाके आया कि हिंदुस्तान के इतने बड़े आंदोलन में 3 विधायक आए, भादरा का बलवान पूनिया, बलराज कुंडू हरियाणा और पंजाब के वो तेरे साहब जो माइक पर बोलते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और अब पूरी रात 3 दिन रह करके और विधानसभा में जो स्थिति किसान के लिए हमने बढ़ाई है, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई कि हम हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ाएं। शहर के अंदर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नगर पालिका में यहां 2016 की कंपनी काम कर रही थी सीवरेज की, मैंने जब उनको कहा काम ढंग से करो उन्होंने सुना नहीं, जब मैंने फिर कहा काम शुरू करो उन्होंने सुना नहीं, फिर मुझे शहर के लोगों ने बताया, हालांकि शहर में मेरी ताकत ज्यादा नहीं थी, विधानसभा चुनाव में इक्के दुक्के करके वोट 5,000 मिले थे, लेकिन शहर के लोगों ने बताया कि ये काम में गड़बड़ी है। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, प्रश्न मेरा खुला, प्रश्न का उत्तर आया, उत्तर में शांति धारीवाल ने 77 लाख की पलंटी सीवरेज कंपनी को लगाई। रूडसी को कंपनी है जिसकी तुत्ती बोलती है जो गुजरात की कंपनी है, लेकिन आपके विधायक के दूसरे प्रश्न के उत्तर में 77 लाख की पलंटी लगा करके साबित किया कि आपका विधायक ताकतवर है और रूडसी को भी कोई ताकत नहीं। शहर के अंदर गुजर क्या हो सफाई के लिए, जैसे मैं सुबह सुबह पानी की बात करता हूँ, सुबह सुबह मैं पानी का गेज देखता हूँ कितना कैसे पानी आया, हर दूसरे दिन मेरी नगर पालिका के सफाई के इंस्पेक्टर और नगर पालिका के ईओ साहब से बात होती कि हम सफाई में लगे हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब संकट आया था कोरोना का और देश भर में आह्वान था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, उस आह्वान पर हमने भादरा में जो जनता रसोई भादरा के साथियों की मदद से और गांव के साथियों की मदद से चलाई और जनता रसोई की बढ़ाई न सिर्फ मुख्यमंत्री ने की बल्कि पूरे राजस्थान की जनता ने कहा कि भादरा की जनता में ताकत है और भादरा के लोगों में ताकत है, जो किसी को दिखा नहीं सकते। नगर पालिका में एक कारण आप मजबूती के साथ लगो और इस ताकत को बढ़ाओ। साथियों अगर आप हमारी ताकत बढ़ाएंगे हम राजस्थान की राजनीति में आपका न सिर्फ नाम ऊपर करेंगे बल्कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगले बजट में 14 बिरानी गांव की घोषणा भी करवाऊंगा और जो की वाला गांव में कृषि अनुसंधान केंद्र भी खुलवाऊंगा। जगी जगी गांव में भाषण दे गया हूँ, मेरी एक एक बात पूरी करने की ताकत लगा दूंगा। एक भी गांव नहीं बचेगा मेरे कार्यकाल में जब पीने के पानी की घर घर टूंटियां नहीं लगेंगी। दावे के साथ मैं आज मतलब कह रहा हूँ, जगह लोग कहें कि फलाने गांव में पानी खारो है मीठो है, मैं कहना चाहूँ 5 बार एमएलए रेड़ा गांव में मीठो पानी पूछाने को काम थारे विधायक करो, गांधी को सरपंच आए पूछ लो 36 लाख रुपया देंगे पाइपलाइन मलखेड़ो में भेजी, मलखेड़ो को इन परमेश्वर गांधी को इन परमेश्वर, और नहर कोई आज बने 70 साल पहली नहर आई, वो काम सिर्फ आपा के जो जनता की तरफ बैठेगा बाथो कौन लगायो बाठा लगा दियो नहीं अड़े से कुछ बेखान लाने थे ठेका हुआ रुपा ढोई तो है कहते हैं निगम हमने बाठा को लगा है या बताए बाठा लगाने तो आओ पहले अब कटा कटा वो लगाने हैं बता दियो लगा दूंगा वो बाठो जरूरी हो गई हम बाठा लगाने और बेसर जुट्ठा इतना है अड़ाई लगा मैं 27 लाख रुपया वो काम करायो और जगह चौक में मिलो सुनो चौक में तो चौक ही सुनो एक अड़ाई लगा करे हो इतना दिना वो तो पेजल पुगायो बड़े गड़े गड़े झूठा भुंडा और बोले मैं अब आता आगे बढ़ाता था काम बात कर लेता हूं जगह जगह स्कूल ने कर्मोन्नत कराने की मेरी आम रेडी है, जगह जगह गांव में मैं दे रहा हूं सब्जेक्ट खुलाने की मेरी आम रेडी है, जगह हॉस्पिटल ने कर्मोन्नत कराने की आम रेडी है, अब मेरी विधानसभा चलेगी प्रधान और उप प्रधान और सारा जनप्रतिनिधि जो थे तस्वीर से मारोगा लोगों का दुख तकलीफ दूर करोगा कोई बेईमानी नहीं करोगा
और कोई झूठ नहीं बोले को कोई जरूरी कोई बड़ा फार्म भर दो मिनिमम काम हो तो अर्थ दबाव आ गई को 20 दिन में कर देना ना कह दियो 1 महीना 2 दिन में कराना भैया 1 महीना 2 दिन में कराना मिनिमम काम हो तो 2 दिन ऊपर की हाल ले लियो सड़क को उतर के उतर जा दो नहीं एकदम सड़क नहीं उतरता लेकिन आपकी नीयत ये साबित करेगी कि आपकी नीयत साफ है आप काम करना चाहते हो मैं गांव में गया बिगड़ लो बलोच जीत के आयो बलवान फगे लिए सड़क बहुत गुंडी फुटेड़ी है मैंने कहते बोला सड़क मैं सड़क और मंत्री बात की गांव में अगली बात बता दे बोला सड़क है मैं सड़क और मंत्री बात क्यों रूम ले पड़ा हूं मैं सड़क वो तगली बात बता अगली बात तो पानी को टेंडर हो गए भानगढ़ तक पेयजल को मीठो पानी जागो भाटी तक आए लोग लोग मेरे जेपी रात आ गया हो लेकिन मैं तावे साढ़े दो महीने ले जीते रहो एक एक गांव में मीठो पानी पहुंचाने को काम टेंडर खुले ना हुए अपना गांव का टेंडर भानगढ़ का टेंडर खुल गया देखी कंपनी काम करने आ जाएगी ठेकेदार काम करने आ जाए वो मैं ढूंढ रहा नहीं बस ये सब तमाम साथियों कहना चाहूँ जबकि जिसकी पेज की योजना है सारी की सारी स्वीकृत होगी और कुछ का लोग कहना चाहूँ भाई ऐसा की ऊंची टंकी बनना ये बात है उसकी फाइल सबमिट हो गई थोड़े दिन में टेंडर लग जाएगा अगली गर्मी से पहले पहले मेरी कोशिश ये रहेगी मैं आपके पानी का प्रबंध करूंगा।